हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट वीडियो है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी हम लोगों ने उर्स रिएक्शन और फिंकलिस्ट रिएक्शन डिस्कस किया था, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और वही रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइनमेयर्स रिएक्शन आज हम लोग का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, साइनमेयर्स रिएक्शन होता क्या है, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, साइनमेयर्स रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के एग्जाम में, क्योंकि साइनमेयर्स रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई में आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि साइनमेयर्स रिएक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सेम एनसीईआरटी का बेस एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई का 2018 में आप चेक कर सकते हैं, 2018 या 17 ऐसे कुछ है, मुझे ठीक से याद तो है नहीं, यही 2018 या 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, जब सीबीएसई कंडक्ट करती थी। तब का टाइम है, जब सीबीएसई कंडक्ट करता था नीट का एग्जाम और जेई का एग्जाम, तब साइनमेयर्स रिएक्शन से क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट बेंजीन उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किस कौन सा कैटेलिस्ट है जिससे रिएक्ट करते हैं, जिससे हम लोग को क्लोरोबेंजीन या क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ था, जिससे हम लोग को क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2018 या 2017 का क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हैं जेई का, तो आपको ये क्वेश्चन साइनमेयर्स रिएक्शन का मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम लोग साइनमेयर्स रिएक्शन डिस्कस करेंगे। साइनमेयर्स रिएक्शन कैसे बनता है, इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, साइनमेयर्स रिएक्शन से रिलेटेड और एक रिएक्शन है जो साइनमेयर्स रिएक्शन और साइनमेयर्स रिएक्शन की तरह ही है, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा कैटलिस्ट का डिफरेंस है, बाकी जो प्रोडक्ट है वो सेम ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप साइनमेयर्स रिएक्शन कर लेते हैं तो वो सेकेंड जो रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं साइनमेयर्स रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, साइनमेयर्स रिएक्शन को जब हम लोग HNO2 या HCl या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट NaNO2 या प्लस HCl को हम लोग लो डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं, जब हम लोग एनिलीन को NaNO2 से हम लोग रिएक्ट करते हैं प्लस HCl, तो हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है जब हम लोग एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ कम टेम्परेचर में रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन मिलता है। और सेकेंड, जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को ब्रोमोबेंजीन मिलता है। तो फ्रेंड्स, N2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग जब दो तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा और Cu2Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनमेयर्स रिएक्शन। साइनमेयर्स रिएक्शन से हम लोग को दो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड, साइनमेयर्स रिएक्शन से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो हमेशा याद रखिएगा कैटलिस्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमेशा याद रखिएगा, कोई भी रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट याद करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कैटलिस्ट याद करना है। सेकेंड आपको प्रोडक्ट याद करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको रिएक्शन याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको रिएक्शन याद करना है। ठीक है, एनिलीन को हम लोग किससे रिएक्ट करते हैं जिससे हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है, तो फ्रेंड्स आपको याद करना है एनिलीन को जब हम लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करते हैं या HNO2 से रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। पहला है एनिलीन को कौन से कैटेलिस्ट से रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, जिससे हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर आपका होगा HNO2+HCl, या सेकेंड है NaNO2+HCl। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद करना है कैटेलिस्ट। एंड सेकेंड थिंग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग CO2Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड प्रोडक्ट पूछा जाता है। अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट CO2Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CO2Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आपको याद करना है, कैटलिस्ट याद करना है, प्रोडक्ट याद करना है और रिएक्शन याद करना है। तो फ्रेंड्स, साइनमेयर्स रिएक्शन का प्रीवियस क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइनमेयर्स रिएक्शन। जब हम लोग एनिलीन को NaNO2 या HCl या HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं लो डिग्री में, तो हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। और जब हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग CO2Cl2 से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलता है, और CO2Br2 से रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, गटरमैन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, साइनमेयर्स रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, साइनमेयर्स रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप लोग साइनमेयर्स रिएक्शन को अच्छे से कर लेते हैं तो गटरमैन रिएक्शन भी आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम लोग गटरमैन रिएक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का गटरमैन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, गटरमैन रिएक्शन और साइनमेयर्स रिएक्शन सेम ही है। तो फ्रेंड्स, ये आपका एनिलीन है। जब हम लोग एनिलीन को NaNO2+HCl से रिएक्ट करते हैं लो टेम्परेचर पे तो हम लोग को मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम लोग एनिलीन को NaNO2+HCl से रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। और जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuHCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन मिलता है। और जब हम लोग को BDC को जब हम लोग CuHBr से रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को ब्रोमोबेंजीन मिलता है। तो फ्रेंड्स, गटरमैन रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है। जब हम लोगों ने यहाँ पर साइनमेयर्स रिएक्शन में हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CO2Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन मिलता है। और गटरमैन रिएक्शन में BDC को CuHCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलता है। साइनमेयर रिएक्शन में था आपका CuCl2 था। ठीक है फ्रेंड्स, गटरमैन रिएक्शन में जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CO2Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन मिलता है। और गटरमैन रिएक्शन में जब हम लोग BDC से रिएक्ट करते हैं CuHCl से तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन मिलता है। तो फ्रेंड्स, गटरमैन रिएक्शन और साइनमेयर्स रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने में बस कैटलिस्ट में बस यही फर्क है। इसमें साइनमेयर्स रिएक्शन में आपका CO2Cl2 है और गटरमैन रिएक्शन में आपका CuHCl है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस आपको बस याद करना है गटरमैन रिएक्शन और साइनमेयर्स रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स, आपको कैटलिस्ट याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है और क्लोरो ब्रोमोबेंजीन कैसे बनता है। तो बस आपको कैटलिस्ट याद करना है और रिएक्शन तो बिल्कुल ही याद करना है, क्योंकि आप में इसमें कंफ्यूजन का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि साइनमेयर्स रिएक्शन में भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनता है और ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको और कैटलिस्ट याद रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन गटरमैन रिएक्शन में CuHCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन मिलता है इन गटरमैन रिएक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, और साइनमेयर्स रिएक्शन में जब हम लोग को CO2Cl2 से रिएक्ट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तो हम लोग को क्लोरोबेंजीन मिलता है। तो फ्रेंड्स, फर्क है कैटलिस्ट का, इसमें CO2Cl2 होगा और इसमें आपका CuHCl और CuHBr होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस आपको गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर्स रिएक्शन में ये याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से बता रही हूँ, एग्जाम में बस यही तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कैटलिस्ट, प्रोडक्ट और रिएक्शन, आपको ये चीज याद रखना है, तब आपका क्वेश्चन कोई भी टाइप का है आप बना लेंगे। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, जितना भी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बता रही हूँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको साइनमेयर्स रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया हो और दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, और टेस्ट आपको कंपलसरी ही देते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।